Morning guys, 6 a.m. and it's time to say bye-bye to Goa. We'll be starting a 1800 kilometer journey back home. Aur aaj ka target hai Nashik, which is about 627 kilometers. So long and hard riding for the next 3 days coming up to reach back to Delhi from Goa in the next 3 days. Stay tuned. So saman hamara all set hai. Wo raha hamara top box. Ye rahi machhardani. Oh, isko thoda na le jana hai. And that's the climb jacket, and riding pant is already on. That's the hydration bag, the top box, and the saddle bags are also ready. Are you ready? Are you ready? Time to go. The Multistrada 950 is ready, and GS is ready as well. And of course, both the Tigers are raring to go. Shwee, shwee. वाह क्या व्यू आ रहा है यार. ओनली 626 किलोमीटर लेफ्ट. कम ऑन. आज मजा आ रहा है सुबह फ्रेशनेस में. रोज तुम लोगों ने अंकल को धूपों में भगाया है. रहता इस ब्रिज पे खड़ा होता वीडियो बनता आगे भागे पड़े हो तुम सारे के सारे. 100% ऑक्सीजन मिल रही है इस समय. 100% सुपर फ्रेश. वाह. सो अभी हम उसी रास्ते से जा रहे हैं जिससे हम आए थे जब गोवा पहुंचे थे रात को, और ऐसा लगा था किसी फॉरेस्ट रिजर्व में से निकल रहे हैं. सो सेम रूट, और आज डिफरेंस ये है कि हम देख पा रहे हैं ग्रीनरी को जो चारों तरफ है. बहुत ही फ्रेश मॉर्निंग है यहाँ पे, और ये ट्रीज देख रहे हैं ना आखिरी बार. इसके बाद तो सीनरी चेंज हो जाएगी जैसे ही हम स्टेट क्रॉस करते हैं. भाई सर्दी लग रही है. सावंतवाड़ी 12 किलोमीटर, रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर, मक गांव 6 किलोमीटर. ये है अपनी टाइगर जिसको हमने साफ नहीं किया ट्रिप पे आने से पहले, और ट्रिप पे वापस जाते हुए साफ नहीं कर रहे. वाह. बिना बात के ग्रुप में घुसा है यार ये बंदा, बिना बात के लिटरली जबरदस्ती की चुल मचा रहा है मिस्टर स्क्विड. राम नाल भाइयों. सावंतवाड़ी, ये मैंने सुना भी नहीं था जगह का नाम, बट सही है. ये तो अपने आप में शहर है यार, ठीक ठाक सा, विद कोको ट्रीज. इसुजु डी मैक्स वी क्रॉस 4x4, और इसुजु दी डी मैक्स दी वी क्रॉस दी. विजय सामान है ना अंकल, उछल रहा है सामान. इज कैरिंग लगेज यू नो. ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी सी घुमाइए बाइक को, हल्की हल्की सी, थोड़ा जिन्ना लीन, थोड़ा जिन्ना. हाय हाय वाह. कॉर्निफरस ट्रीज के बीच में लीन तो करा था ना हमने थोड़ा सा, अब कोकोनट ट्रीज के बीच में कर रहे हैं हम. ओ जी अंकल मजे मत लो, वो तो मेरे से पूछना पड़ेगा भाई तेरे को क्या कर रहे हैं. अंकल आपको भी पता है क्या हुआ है, मुझे भी पता है, इसलिए मत बोल. ओ भैंस ट्रक. मॉर्निंग राइड चल रही है यार, क्या राइड चल रही है. सो हम चार लोग इंटरकॉम पे एज यूजुअल कनेक्टेड हैं, एंड द फर्स्ट इन द ग्रुप सुमित इज गिविंग अ हेड्स अप ऑन द ट्रैफिक दैट इज कमिंग टुवर्ड्स अस.
ट्रक आ रहा है, कार आ रही है, ऑटो आ रहा है। सो यही फ़ायदा है कनेक्टेड रह के चलाने का, स्पेशली ऑन द कर्वी सेक्शंस जहाँ पता नहीं होता कि ट्रक कैसे आना है, किस एंगल पे आना है, हमारी लेन में कितना घुसते हुए उस ट्रक ने आना है, हमारी लेन में कितना घुसते हुए ऑपोजिट साइड वाले ट्रैफिक ने आना है, हमें कितना लीन करना है, कितना नहीं करना। सो ये फ़न है कनेक्टेड रह के राइड करने का। जैसे अभी हम लोगों के बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम है, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। और क्या सनशाइन है यार राइट में, इस जगह का AQI तो बहुत कम होगा, लिटरली फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर राइड कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। ये देखो लीनिंग भाई, वो मज़े ले रहे हैं वो पूरी जिंदगी के। वाह क्या ब्रिज आ रहे हैं, छोटे छोटे, फुल ग्रीन सराउंडिंग्स। और ये जब बीच में ट्रक आया ना भाई, बैन करो यार इसको, क्या कचरा है यार, डीजल का धुआं छोड़ रहा है मुंह पे। अम्बोली 17 किलोमीटर फ्रॉम एयर, पता है 650 किलोमीटर करने हैं, जो बहुत ज़्यादा नहीं है बट डेफिनेटली अचीवेबल है। बट ऐसे डिस्टेंसेस पे इम्पॉर्टेंट भी होता है यार के थोड़ा सा अपने माइलेज, थोड़ा सा अपनी स्पीड पे ध्यान दें, ब्रेक्स पे ध्यान दें। वही वाला टोटल है यार वनडे इंटरनेशनल में, जो 225 से 230 वाला टोटल होता है ना, जो बहुत ज़्यादा नहीं होता और बहुत कम भी नहीं होता, समझ नहीं आता कि स्पीड पे चलना है, वही वाला सीन है ऐसी माइलेज क्लॉक करने में। और अभी जो बोर्ड था ना, उससे पहले एक और बोर्ड आया था, उस पर लिखा हुआ था घाट सेक्शन बिगिंस बी केयरफुल। वाह तो अभी तक क्या चल रहा था भाई, आई थिंक अब बढ़िया वाला असेंट स्टार्ट होगा पहाड़ों का, मज़ा आएगा। कम ऑन ये बे, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। ये अम्बोली घाट्स वाला जो सेक्शन है यार, तो बहुत ही बढ़िया है यार, कांस्टेंट ज़िगज़ैग चल रहा है ग्रीनरी के बीच में। और यहाँ पे धूप में भी चलानी हो बाइक तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप फुल्ली कवर्ड हो शेड से, ऊपर देख रहे हो कैसा सेक्शन है, ट्रीज कैसे कवर कर रहे हैं रोड को प्रॉपरली, तो यहाँ तो गर्मी भी नहीं लगती होगी यार, थोड़ी ह्यूमिडिटी होती होगी बट गर्मी तो धूप ही नहीं लगती। अब ये ट्रक को ऐसे ओवरटेक नहीं करना चाहिए टर्न पे, वाह वाह वाह, डिस्टेंस देख के करो। टाइगर की रोड सुनो यार उस दिन मैंने वीडियो डाला था, कोई कमेंट कर रहा था टाइगर है रोड तो करती ही है, बट क्या करूं यार, जब फिर से एक बार सुनने को मिलती है ना रोड हर बार, तो दिल ना एकदम खुश हो जाता है। जैसे ये देखो यहाँ से निकलते हैं ना कॉर्नर एग्जिट पे, तो यार मज़ा दे देती है मशीन, ये हॉर्न बजाव। ओके रोड की क्वालिटी भी देखें आप जरा पहाड़ों में, अम्बोली 13 किलोमीटर, पहाड़ों में ऐसी रोड की क्वालिटी, प्रॉपरली मार्क्ड फ्लॉलेस रोड। मेरे को लग रहा है उन दोनों को भी जोश चढ़ गया, आगे भाग गए हैं। ये देखो आया ट्रक एकदम से, बात हुई थी एक दूसरे को बताने की कि आगे वाला ट्रैफिक कैसा आ रहा है, बट ऐसा जोश चढ़ा है, रोड ही ऐसी है यार, इस पे तो बाइक को ऐसे भगाने का दिल करता है ना, थोड़ा केयरफुली। बट हाँ देखो, वेडी वकड़ी वकड़े वाहने सर्वाक्ष चलवावा, कुछ मैंने टेढ़ा मेढ़ा बोला है बट मेरे को ये समझ में आया, क्योंकि वो हिंदी में लिखा था, लैंग्वेज कोई और थी, बट मतलब यही था कि काफ़ी कर्वी सेक्शन है, रोड्स एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, थोड़ा सा आराम से चलाओ। मैं पूरी लैंग्वेज को ठीक से पढ़ तो नहीं पाया, सॉरी फॉर दैट, महाराष्ट्रियन थी या क्या थी मुझे नहीं पता, बट आई गॉट द मैसेज मैन। वही जो BRO वाली रोड्स पे होता है ना लद्दाख में, टेक द कर्व स्लोली। आई थिंक हिल टॉप पे आ गए हैं अब, लगता नहीं बहुत ज़्यादा असेंड होना चाहिए अब, खिलखिलाती हुई धूप
टाइगर को हमने रखा हुआ है फोर्थ गियर पे, क्योंकि ये जो करना होता है ना, ये टाइगर बड़ी आराम से कर लेती है, बड़ी आराम से, यू नो, बिकॉज टाइगर किसी भी गियर से उड़ जाती है। टॉर्क इतना बढ़िया है बाइक में, फोर्थ गियर फिफ्थ गियर पे खींच लो कहीं भी बेंड पे। तो ये देखो टॉप पे आ गए, नीचे व्यू क्या बहुत ही बढ़िया आ रहा है यार। सही में यार, सही कहा है जिसने भी कहा है, टाइगर टाइगर है यार, क्या स्पोर्ट्स बाइक वाली फील देती है यार। एग्जॉस्ट के साथ जो एग्जॉस्ट साउंड है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी एडीवी वाली, और एग्जॉस्ट साउंड बिल्कुल स्पोर्ट्स बाइक वाला ट्रिपल इंजन के साथ, क्या मजा आ रहा है यार। व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग इट्स टर्निंग आउट टू बी, वाह क्या व्यू है। भाई थोड़ा व्यू देख ले 2 मिनट, बहुत ही बढ़िया। चले बॉयज, थैंक्स, बाय बाय। अम्बरोली वाटरफॉल आनी है यहाँ पे, लोग कहते हैं 1 किलोमीटर में ही है, ये जो पॉइंट बना हुआ है यही है। ये देखो कुछ नहीं पानी है इसके अंदर अभी। यो यो, नाश्ता करोगे जी? और ये अपनी वी क्रॉस में ये जा रहा है। हेलो, हे, हेलो, हाउ आर यू? ओए हो जावा, देखिए जावा है? ब्रिज चलाने में इतनी भारी चुप है भाई। अच्छा अच्छी नहीं है? बहुत बेकार। ये क्या पकोड़े हैं? हाँ पकोड़े है, वो कच्चा है, हाफ फ्राई रहता है। प्याज कहाँ? हाँ प्याज कहाँ। चलो भाई, नाश्ता हो गया हमारा, मिसल पाव, ऑमलेट पाव, मैगी और 2-4 ये कॉर्न वगैरह खा के पेट भर चुका है। ये नाश्ता हमने किया है अमरोली, अमरोली वाटरफॉल के सामने ये जो स्टॉल्स बने ना, आ जा टाइगर खड़ी हो जा, यहाँ पे किया है नाश्ता। और अब आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस हमने सुबह से क्लॉक किया है कितना, ये चेक करना पड़ेगा, अराउंड 50, हमने सुबह से सिर्फ 50 किलोमीटर ही करे हैं, 60 किलोमीटर करे हैं सुबह से बस। रिडिकुलस यार।